रिलायंस जियो ने मुफ्त वॉइस कॉल के साथ एक साल पहले भारतीय दूरसंचार बाजार में कदम रखा था और अपनी लोकप्रियता के कारण जियो ने एवरेज मंथली डेटा स्पीड में जुलाई महीने में बाजी मारी है। यह जानकारी ट्राई के आंकड़ों से ली गई है। वहीं एवरेज मंथली डेटा स्पीड में ट्राई के स्पीड चार्ट पर लगातार 7 महीने से जियो टॉप पर है, जबकि पहले से मौजूद कंपनियां भारतीय एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया जियो से पिछड़ गई हैं। आइए इस आंकड़े के हिसाब से जानते हैं कि जुलाई महीने में जियो और अन्य कंपनियों की डाउनलोड स्पीड क्या रही। एयरटेल की 9.266 एमबीपीएस, आइडिया की 8.833 एमबीपीएस और वोडाफोन इंडिया की 9.325 एमबीपीएस, जबकि जियो की 18.331 एमबीपीएस रही। पिछले एक साल में मोबाइल डेटा उपभोग भारत में 20 करोड़ जीबी से बढ़कर 150 करोड़ जीबी तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट की माने तो इनमें से जियो के नेटवर्क्स पर हर महीने 100 करोड़ जीबी डेटा का उपभोग होता है। वहीं रिलायंस जियो एक साल के अंदर ही कई रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। इसके अलावा जियो ने अपने ग्राहकों की संख्या भी 13 करोड़ से पार कर ली है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।